तो और गाइस स्टूडियो वाइस सिटी को ऑलमोस्ट हर एक पीसी गेमर्स ने अपने पीसी पर भी प्ले करी हुई है एंड ये वो गेम है जिस गेम को हम लोग बचपन में प्ले करते थे एंड हाँ इस गेम से हम लोग के बचपन के काफी सारे ओल्ड मेमोरीज भी जुड़ी हुई है। अब गेम को रिलीज होते हुए ऑलमोस्ट 20 ईयर से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है एंड कहीं ना कहीं आज भी ये गेम काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड काफी सारे गेमर्स इस गेम को अपने पीसी पर भी प्ले करते हैं एंड हाँ इसका एक ही रीजन है जो कि मॉडिंग। एंड हाँ मॉडिंग से हम गेम के अंदर कई सारे न्यू चेंजेस कर सकते हैं, हम लोग गेम के अंदर की ग्राफिक्स को एनहांस कर सकते हैं एंड साथ में कई सारे नए फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। एंड हाँ आज के इस वीडियो के अंदर भी मैं आपके साथ वाइस सिटी का ही एक ऐसा अल्टरनेट वर्जन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक्स मिलेगी प्लस इसके अंदर आपको ढेर सारे न्यू फीचर्स भी आपको मिल जाएगा। एंड हाँ ये वाइस सिटी का कोई ऑफिशियल गेम बिल्कुल भी नहीं है, ये वाइस सिटी का एक मॉड है एंड इस मॉड का नाम है वाइस क्राई। एंड ट्रस्ट मी इस मॉड के साथ आप वाइस सिटी को अभी के टाइम पे दोबारा से री एक्सपीरियंस कर सकते हो बेटर ग्राफिक्स एंड बेटर गेम प्ले के साथ। एंड वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड भी कर दूंगा कैसे आप इस मॉड को डाउनलोड कर सकते हो प्लस कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड हाँ मैं जो गेम प्ले है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल तो ऑल राइट, इसके साथ पहले मैं आपको वाइस क्राई मॉड की जो इंस्टॉलेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एंड यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं अपने पीसी के स्क्रीन के ऊपर। तो देखो यहाँ पर आपको वाइस क्राई की बस एक ही आपको ये मॉड मिलेगा, आपको ये डाउनलोड कर लेनी है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको इसकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। एंड मॉड की साइज अराउंड कुछ 1 GB के आसपास है, आपको फुल फाइल इसकी जो है उसको आपको डाउनलोड कर लेनी है। एंड देखो इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सिंपल है, आपको बस अपनी वाइस सिटी की जो मेन गेम फोल्डर है उसको आपको ओपन कर लेनी है एंड मेक श्योर आपकी जो वाइस सिटी गेम है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उस पर पहले से जो है एक भी मॉड्स इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए। एंड देन यहाँ से आपको बैक आ जानी है एंड देन यहाँ से आपको फर्स्ट स्टेप ये करना है, आपको यहाँ से आपकी जो गेम फोल्डर है वाइस सिटी का आपको सिंपली इसका एक बैकअप बना लेनी है एंड इसके लिए आपको बस फाइल को यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करना है एंड देन इसको यहीं पर ही पेस्ट भी कर देनी है एंड इसे यहाँ पर वाइस सिटी का जो है 2 कॉपीज आपका बन जाएगा। एंड अभी यहाँ से किसी भी एक फोल्डर पे आप राइट क्लिक करके इसको वाइस सिटी से यहाँ पर इसको रीनेम करके इसको वाइस क्राई नाम दे दो एंड देन अभी हम इस पर जो मॉड है इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी जो वाइस क्राई मॉड की जो फाइल है जिसको आपने डाउनलोड करी हुई है उस फाइल को सिंपली आप इसको ओपन कर लो एंड देन यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे फाइल आपको मिल जाएगा, आपको सिंपली इनको क्या करना है सिलेक्ट ऑल करना है एंड देखो बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है, जस्ट आप इनको ड्रैग करके आपको बस गेम डायरेक्टरी पे इनको ड्रॉप कर देनी है। एंड ये देखो फाइल थोड़ी बड़ी है तो ये कॉपी होने में भी आपका थोड़ा टाइम लेगा एंड एक बार कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर जो रिप्लेस का ऑप्शन भी आ जाएगा तो क्लिक कर देना एंड यहाँ से आपकी जो वाइस क्राई मॉड है इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो आपका कम्प्लीटली यहाँ से आपका डन हो जाएगा। एंड अभी मैं आपको फटाफट से जो गेम प्ले है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एंड आपको जो गेम है इसको आपको इस लॉन्चर से भी आपको ओपन कर लेनी है जैसे आप नॉर्मली गेम को ओपन करते हो। एंड गेम ओपन होते ही यहाँ पर गेम की जो मेन मेनू है एंड जो मेन स्क्रीन वगैरह है वो आप देख सकते हो कम्प्लीटली यहाँ से चेंज हो चुकी है एंड एक रिमास्टर्ड गेम वाली हमें फील दे रही है। एंड यहाँ से फटाफट से मैं अपने गेम को न्यू गेम से स्टार्ट कर लेता हूँ। बोल तो ऑल राइट, इसके साथ यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हम यहाँ पर गेम के अंदर आ चुके हैं एंड आप गेम प्ले में देख सकते हो गेम के अंदर यहाँ पर कितने सारे न्यू चेंजेस यहाँ पर आ चुके हैं एंड कितने सारे न्यू फीचर्स और कितने सारे न्यू चीज़ें गेम पे ऐड हो चुकी है। एंड हो सकता है गेम आप जब पहली बार ओपन करोगे तब आपके गेम के अंदर जो मैप है एंड जो HUD है वो आपको नहीं दिखे, तो इसके लिए आपको डिस्प्ले सेटिंग पर चलना है एंड यहाँ से आपको HUD एंड जो रडार है इसको आप ऑन कर लेनी है एंड देन यहाँ से फिर से गेम पे बैक आ जानी है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो HUD है एंड जो रडार वगैरह है वो यहाँ पर शो कर रही है। एंड इसके साथ आप गेम की जो ग्राफिक्स है इसको भी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये इनहेंस भी हो चुकी है। एंड ट्रस्ट मी ये जो मॉड है ये आपके लो एंड पीसी के लिए ही बनाए, ये आपके पीसी पे बिल्कुल भी लैग एंड स्ट्रटिंग वगैरह जैसे कोई भी इशू क्रिएट नहीं करेगा। एंड बात करें अगर हम फीचर की तो हाँ वाइस क्राई मॉड के अंदर आपको ढेर सारे न्यू ऑसम फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड एक तरीके से ये आपके पुराने जो वाइस सिटी गेम है उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक्सपैंड एंड इसको इनहेंस वगैरह कर देती है एंड एक वीडियो पर सब कुछ चीज़ों को यहाँ पर कवर करना वो पॉसिबल नहीं है। एंड बाकी इसके साथ अगर आपके पास एक हाई एंड पीसी है तो हाँ ग्राफिक्स को भी यहाँ पर आप थोड़ा और भी ज़्यादा यहाँ पर रियलिस्टिक एंड थोड़ा और ज़्यादा इसको इनहेंस कर सकते हो। एंड अभी मैं गेम के अंदर एक और मॉड को इंस्टॉल करूँगा जो कि एक ग्राफिक्स मॉड एंड ट्रस्ट में इससे आपकी जो वाइस क्राई मॉड है वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। एंड यहाँ पर आपको फिर से एक और फाइल आपको यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेनी है जो कि ग्राफिक्स मॉड की एंड इसकी भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही आपको मिल जाएगा एंड वाइस क्राई के मॉड के साथ आप इसको भी आप डाउनलोड कर लेना साथ में। एंड देन इसकी भी इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सिंपल है, आपको बस मॉड की फाइल को यहाँ से ओपन कर लेनी है एंड इसके अंदर आपको एक मेन नाम का एक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर आपको चलना है एंड यहाँ से आपको वाइस क्राई सिलेक्ट करना है फोल्डर एंड देन इसके अंदर आपको कुछ फाइल मिल जाएगा ग्राफिक्स मॉड की, सिंपल आपको इनको भी सिलेक्ट ऑल करना है एंड देन इनको भी गेम डायरेक्टरी पर ड्रॉप कर देनी है एंड यहाँ पर भी रिप्लेस का ऑप्शन भी आ जाएगा तो कर देना। तो यहाँ से जो ग्राफिक्स मॉड है वो भी आपके वाइस क्राई के अंदर यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा।
तो ऑल राइट, यहाँ से भी हम गेम को दोबारा से ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वाइस क्राई मोड पे हमने यहाँ पर ग्राफिक्स मोड को इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर ग्राफिक्स हमें कुछ ऐसे दिख रही थी एंड इस ग्राफिक्स मोड के ऊपर इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर गेम की जो ग्राफिक्स है इसको देख सकते हो कितना ज़्यादा ये एनहेंस हो चुका है एंड आप देख सकते हो गेम की जो कलर्स वगैरह है एंड जो विजुअल्स वगैरह है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है ब्राइटर हो चुकी है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। एंड मुझे इस ग्राफिक्स मोड के अंदर जो वेदर इफेक्ट है प्लस जो क्लाउड वर्किंग एंड जो टाइम साइकिल वगैरह है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बेटर लगी है वॉइस क्राई की जो ओरिजिनल मोड है उससे। एंड हाँ, अगर आपके पास एक अच्छा पीसी है तभी आप इस ग्राफिक्स मोड को वॉइस क्राई के साथ यहाँ पर आप प्ले करना, इंस्टॉल करना इसको एंड बाकी नहीं तो आप विदाउट ग्राफिक्स मोड सिर्फ वॉइस क्राई मोड को भी इंस्टॉल करके अपने गेम को भी यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड सिर्फ अगर आप वॉइस क्राई मोड को ही इंस्टॉल करते हो तब आपका गेम बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा, आपका गेम स्मूथली चलेगा। बस ग्राफिक्स मोड के लिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर अच्छा आपको पीसी होना चाहिए। एंड इतना कंप्लीट इंस्टॉलेशन वीडियो वॉइस क्राई मोड के ऊपर एंड वीडियो को मेक श्योर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।